Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. आबकारी नीति मामले में जमानत के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आबकारी नीति मामले में जेल से रिहाई की मांग की है। उन्होंने याचिका में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के आदेश को चुनौती दी है। इसके अलावा उन्होंने इस मामले में नियमित जमानत याचिका भी दायर की है। न्यूज एजेंसी एनआई ने आम आदमी पार्टी के कानूनी टीम के हवाले से ये जानकारी दी है। खास बात यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने को कहा था। ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद 21 मार्च से केजरीवाल हिरासत में हैं। इस दौरान मई में शीर्ष अदालत ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। वहीं 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी। ये स्वीकार करते हुए कहा कि 90 दिन से ज्यादा समय तक जेल में उन्होंने बिताया है। हालांकि इस मामले में 26 जून को सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के कारण वो हिरासत में ही हैं। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में जमानत दिए जाने के 2 दिन बाद दायर की गई थी। 9 अगस्त को सिसोदिया को जमानत पर रिहा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 17 महीने की लंबी कैद और एक ऐसे मामले में उनकी लगातार हिरासत जिसमें जल्दी ही मुकदमे के खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं है, ऐसे में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता और त्वरित सुनवाई के सिसोदिया के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। ऐसे में उन्हें जमानत देने का फैसला किया गया।